नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल, आप सभी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्कोप टारगेट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग ने इधर डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन नंबर फोर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन से जरूर से ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का पहले फिगर बना लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये हमारा कुछ फिगर इस प्रकार से है। ठीक है, ये हमारा इधर बन जाएगा, यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, क्यू टी आर। ठीक, और एंगल क्या है, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू हमारे 50 दिया हुआ है, ये वाला 50 दिया है। पी आर डी हमारा 127 दिया हुआ है, पी आर 127 डिग्री दिया हुआ है। और हमारा एक्स ये वाई है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो ये हमारा एंगल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इन द गिवन फिगर 6.32। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और एंगल ए पी क्यू इज़ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज़ इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस। फाइंड एक्स, सॉरी किस सेल्सियस मैंने बोला क्या, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, ये देखिए अगर हम फिगर में देखें, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर हम एक फिगर में आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, आपको बनाना नहीं है, ये ए बी ये पैरेलल है और ये, सॉरी ये वाला फिगर ये मैंने बनाया इधर से। देखिए जो पी क्यू है, ये पी क्यू मैंने बना दिया, इन दोनों को मैंने बनाया। ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारा लाइन ए बी सी डी है। तो देखिए ये हमारा 50 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा 50 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो देखिए ए बी, सॉरी ए एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये हमारा अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, एंगल ए पी क्यू हमारा 50 दिया हुआ है, तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 50 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखिए ये हमारा 50 डिग्री का एंगल, अब क्या निकालना है हमको, वाई निकालना है। वाई कैसे निकलेगा, देखिए सिंपल सी बात है, आते हैं इस फिगर में, जैसे ये वाला मैंने बनाया था, मानिए इसको ए बी सी डी, ये हमारा पी, ये हमारा आर, तो इस वाले एंगल के बराबर हमारा ये वाला एंगल बन जाएगा। ठीक, तो इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये हमारा हो गया एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, पी आर डी इज इक्वल टू एंगल आर पी ए, या ए पी आर बोल दें, ए पी आर सुनने में अच्छा लग रहा है, ए पी आर। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेट एंगल, ये दोनों आपको फिगर बनाने का नहीं है, समझाने के लिए बनाता हूँ। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल। अब क्या करना है, अब देखिए एंगल पी आर डी क्या है, एंगल पी आर डी तुम्हारा 127 डिग्री देगा। एंगल ए पी आर, ए पी आर कैसे बनेगा, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल हमारा वाई, या यू कहें क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर,
ये अगर हम दोनों जोड़ दें तो हमको 127 मिलना चाहिए। तो यानी कि 127 कैसे मिलेगा, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 माइनस एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 77 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इधर हमको x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू हमको मिल गई 50 डिग्री, x की वैल्यू 50 डिग्री और y की वैल्यू 77 डिग्री मिल गई। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हमारा ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, वो समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।